अति प्रिय मोह अवध के वासी। प्रभु राम ने ये बातें तब कही थी जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद त्रेता युग में अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दीप माला जलाकर उनका स्वागत किया था। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों अयोध्या की गलियां, अयोध्या की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हम इस समय धर्म पथ पर यानी लता मंगेशकर चौक पर। यहाँ की सड़कें आप देखें कैसे अत्याधुनिक लाइटों से गुंजायमान। इतना ही नहीं, प्रभु राम की नगरी एकदम त्रेता की तरह नजर आ रही है। खास बात ये भी है कि इस बार बालक राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। बालक राम के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव है जिसे भव्य बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार सभी तैयारी पूरी कर ली है। घाटों पर वॉलंटियर दीप 28 लाख लगा चुके हैं। अब कल एक बार फिर पूरे विश्व की निगाहें धर्म नगरी अयोध्या पर टिकी रहेंगी, लेकिन इस समय अयोध्या वासी भी दीपोत्सव स्थल पर जाकर और अयोध्या की त्रेता युग वाली छटा को अलौकिक कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये त्रेता युगीन अयोध्या कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। आपने कभी कल्पना की थी? कभी नहीं कल्पना। बीजेपी की सरकार न होती तो कल्पना क्या, लोग सोच भी नहीं सकते। कैसा लग रहा है? 25 लाख दीपक कल जलाए जाएंगे। हाँ, विश्व कीर्तिमान होगा, कल रिकॉर्ड बनेगा, जिस जिस नाम एक बार फिर से। और अयोध्या में बहुत भव्य। हमारे साथ और भी लोग हैं, कैसी देख रही हैं आप अयोध्या को? बहुत अच्छा है। कल्पना की थी कभी कि इस तरह त्रेता युग आएगा? योगी जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मतलब इतना बढ़िया व्यवस्था करने की। अच्छा, गोरखपुर से आई है अयोध्या को? पहले भी आई होंगी अयोध्या? तो पहले की अयोध्या अब की अयोध्या में कैसा लगा? बहुत फर्क है पहले में अब, मतलब बहुत अच्छा हो गया, बहुत डेवलप हो गया पहले के मुताबिक। अच्छा अच्छा, तो इस बार दीपावली में यही मनाने का प्लान? हाँ, दिवाली यही मनाने का प्लान है, इसीलिए है। कैसा लग रहा है भैया अयोध्या? आपके सामने देखिए कैसा लग रहा है, मस्त तो है, बिंदास एकदम। योगी जी ने विकास किया है बहुत। अब आपको न दिखाई दे तो अलग बात है, हमको दिख रहा है। आपको दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है। अच्छा, पूरी नगरी भैया त्रेता की तरह नजर आ रही है? त्रेता तो नहीं देखे हैं, लेकिन इसको देख रहे हैं। तो अनुभव हो रहा है? अब पहले तो नहीं पता है ना, लेकिन अब का देख रहे हैं। माता जी कहाँ से आई? हम गोंडा से। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। कभी आपने कल्पना किया था ऐसे? नहीं, बस योगी जी के सानिध्य में ऐसा अयोध्या देखने को मिल रहा है। देखिए, हर आदमी साधु संत से लेकर आम जनमानस तक सब यही कह रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अयोध्या में हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं तो चल ही रही हैं। साथ ही ये आठवां दीपोत्सव है जिसे भव्य बनाया जा रहा है। खास बात ये भी है। अच्छा माता जी, राम मंदिर बन गया है, अब कैसे देख रही है? राम मंदिर भी बन गया, दीपावली भी मनाई। अरे, इसके साथ साथ अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और क्या चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जीवन में पहली बार हम लोगों को मिला। कैसे कैसी लग रही है अयोध्या, कभी कल्पना किया आपने? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, पहली बार आई है? पहली बार नहीं, हम यही तो रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहती है, हर बार दीपावली में आती होंगी, लेकिन इस बार आपको क्या खास लग रहा है? पहले से हर बार भव्य ही हो रहा है, हर साल से ज्यादा। इस बार क्या खास लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन है, लाइटिंग बहुत अच्छा है, डांस बहुत अच्छा है। मतलब त्रेता की अयोध्या का कलयुग में सपना साकार हो। हर आदमी जय श्री राम का उद्घोष करता नजर आ रहा है, शायद यही वजह है कि अयोध्या कलयुग में त्रेता युग की तरह नजर भी आ रही है। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए सर्वेश श्रीवास्तव।